कभी जेबी नाराज हुआ हुआ है? चल मेरा बच्चा मान जा, मेरा शहजादा, मेरी जान का टुकड़ा, मान जा। मतलब अजीब मजाक है यार, मतलब बंदे की साल में एक बार बर्थडे आती है, उसको भी ये लोग बना देते हैं कि नहीं भाई तुम हफ्ते को कर लो, तुम जुमे को कर लो, तुम भाई जुमे को आ रही है तो जुमे को मनाओ ना, मैं क्यों किसी और दिन मनाऊं? जेबी बोलो ना, माल्टू से मनाएंगे, बोलो ना। ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अम्मी ने इधर एक तो जब ब्लॉग करो उधर से इतना शोर मचा देती है। तो आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा तो अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि कुकिंग विद अम्मी और जेबी आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो वेलकम, हेलो। वो क्या करें, आ गए हैं, वो तेरे ही नजर उतारे, कितना प्यारा लग रहा है, इतना स्मार्ट लग रहा है। मम्मा ने ये उतार रही है उन्होंने यही कहना है, जेबी बड़ा प्यारा लग रहा है। कोई प्यारा प्यारा नहीं लग रहा है, मेरा चांद है, मेरा शहजादा। आज आज असल में आखिरी दिन है ना मेरा कि मैं 25 साल करूंगा, कल मैं 26 का हो जाऊंगा, 26। बुड्ढा बुड्ढा, लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, कामयाबियां दे, अल्लाह पाक खुशियां दे, और इतना दे कि लोग हसद कर करके मर जाए तेरे से। कहते हैं बुजुर्ग जब किसी को दुआ देते तो कहते थे अल्लाह बंदे तेरे से हसद करें, अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह तुझे इतना देगा तो लोग हसद करेंगे ना। 25 साल का मेरा आखिरी दिन आज, बुढ़ा हो गया मैं। 25 साल दे मर्द, 60 साल का भी बुढ़ा नहीं होता। 25 साल की शादी होगी मेरी या नहीं होगी? अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह का हुक्म हो, क्या पता आज के एक घंटे में हो जाए, 25 में ही हो जाए। ये अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी नहीं हो सकता जनाब, जो उधर से हुक्म होना है वो ही होना है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म से सारे काम होते हैं। इंशाल्लाह अगला साल कामयाबियों का है, शादियों का है, सब बच्चों की शादियां, मतलब 13-26वां अल्लाह के हुक्म से उसमें शादी भी होगी। फिर अगर अब जैसे 26 में शुरू है शादी होगी, 26 के एंड तक तेरा बच्चा भी हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर सही है। फिर जरा पैंपर ला, दूध ला, रात को उठ उठ के फीडर बना, फिर बड़ा खुश होगा, उठा के माँ को दे जाए करेगा, माँ इधर से माल। आज बाहर ना धूप ना सूरज ना कुछ, आज ठंड ठंड वाला मौसम हुआ है। आज कोई व्लॉग वगैरह पे कोई फोकस नहीं, क्योंकि कुकिंग में दम्मी आज जो है मतलब हर किस्म की हांडी बना रही हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही हैं, सारा फोकस आज वापस आ गया कुकिंग पे। दिल आपका कह रहा है कुकिंग चैनल वापस, अपना कुकिंग चैनल खोल लें, वापस कुकिंग पे चली जाए, जितना आज कुकिंग पे गौर है। मैंने जो लाई हूँ चीज़ें लाती हैं वो संभालनी भी तो होती हैं, ये बदल होना जाना आसान नहीं है। पटक 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 पालक कर रही है, पालक गोश्त बना रही हूँ, इधर कबाबों के लिए मसाला गोश्त रखा हुआ है, फिर ये वो चिकन पड़ा है तेरे लिए, चिकन बनाऊंगी, ये चिकन निकाला है वेजिटेबल और चिकन रोल बना के रखने हैं उनके लिए, चिकन बॉईल करके रखा है ये वाला, तो मैंने कहा डब्बे बाहर ही पड़े रहे, बार बार उतारो रखो उतारो। इतना कुछ आ जाए कि दिन में, आज क्या जोश चढ़ा आपको, आज दिल कर रहा है? नहीं जोश नहीं चढ़ा, वो चीजें लाती हूँ ना फिर वो संभालनी तो होती है, चिकन भी संभालना होता है, पैकेट बनाने होते हैं, धो के ड्राई करके पैकेट बना के वो रखने होते हैं, फिर जो कबाबों के लिए लाती हूँ उसे धो के उसके कबाब बनाने होते हैं, जो रोल शोल बनाने होते हैं, फिर चिकन अब बॉयल कर लिया ना अब वेजिटेबल और वो करके तो फिर वो रोल बना के रख दूंगी, कबाब भी बने होंगे रोल भी बने होंगे। भाई आसान नहीं है अम्मा की ज़िंदगी, जैसे कोई आता है अम्मी चाय के साथ कुछ है, फिर ऐसे नहीं पूछना होता, बना के रखें तो मिलता है। क्या बात है, आज गाइस मतलब सारा फोकस वहाँ पे है। कल है जुमा, जुमे को बनता है 16 फरवरी, 16 फरवरी को आपके भाई की है बर्थडे, ठीक है। अब मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं कि मुझे सुबह से कह रहे हैं कि यार तुम ऐसा करो कि तुम जो अपनी बर्थडे है ना वो कर लो, तुम सैटरडे को या संडे को कर लेंगे, सब घर होंगे तब कर लेंगे। मतलब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती भाई, जब बर्थडे जुमे को है तो फिर जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना ना आए, भाई बर्थडे तो बर्थडे वाले दिन ही होती है ना, ये कौन सी बर्थडे है कि जी आप जुमे को नहीं, आप सैटरडे को कर लो, आप संडे को कर लो। भाई पहली तो बात है मुझे शौक ही नहीं बर्थडे मनाने का, मैं कहता हूँ ना मनाओ, ये जब बर्थडे पे दिन पे ही नहीं मनानी तो फिर बर्थडे मनाने का क्या फ़ायदा, ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधी बात है। पर नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं जी अब तुम सैटरडे को मना लो, संडे को मना लो, ये कर लो, क्या मतलब फ़ायदा क्या फिर बर्थडे का,
तो खैर एनीवे मैंने तो बोला उनको कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं बर्थडे मनाने की मेरी, आप लोग ना मनाओ, इससे बेहतर है कि आप लोग जुमे को भी ना मनाओ, आप सैटरडे को भी ना मनाओ, आप संडे को भी ना मनाओ, ठीक है, सिंपल सी बात है। आखिरी बार मैं पूछूंगा अम्मी लोगों से कि कब मनानी है इन्हें बर्थडे या नहीं मनानी, जो भी है जो भी सीन है, तो आप बताएं बताएँ कि बर्थडे मना रहे हैं आप लोग जुमे को या नहीं। किसकी बर्थडे? क्या मतलब किसकी बर्थडे? किसी की बर्थडे है, मुझे तो पता ही नहीं भाई। आप लोग ना मनाओ ही ना। मैं अभी दो मिनट पहले मुझे कहनी थी कि तेरी बर्थडे है जुमे को नहीं, हम सैटरडे को संडे को मना लेंगे। मैंने कहा है। अभी ये आपकी बेटी और आप लोग बैठ के कह रहे थे। मैंने तो नहीं कहा। कोई सबूत है तेरे पास? सबूत नहीं है ना, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। हाँ यही बात है, इसलिए हाथ में कैमरा रखा करो ना, तो सबूत पास है। सीधी सीधी बात बताएं। एनीवे मजाक नहीं कर रहा मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, ठीक है ना, सीधी बात है। हाँ तो मैंने बोला है ना, नहीं सैटरडे को क्या, आप लोग संडे को भी ना करें, आप लोग फ्राइडे को भी ना करें, फ्राइडे को भी ना करें। आप लोग ऐसा करो, आप लोग अपना करो, आंडिया बनाए, खाने बनाए, तुम अपने यूनिवर्सिटी के काम कर, ठीक है, सब अपने काम करो, अपनी अपनी करो, अपनी अपनी बर्थडे सब टाइम पे मनाए। मेरी बर्थडे है तो नहीं सैटरडे को, नहीं संडे को, नहीं तो मेरी तरफ से आप लोग ना मनाए, मेहरबानी करो आप लोग ना मनाओ, कोई भी ना मनाए, आप भी अपने खाने बनाए, अपना सब करें, अपनी बेटी की, अपनी बेटी की बर्थडे मनाए। तुझे नाश्ता दिया, वो उठ के मुझे ना, मुझे नहीं सुनने, आपको पता भी नहीं होना, सारू के पता होता है, मेरी नहीं पता होता, आप लोग करें अपने काम, कोई जरूरत नहीं मेरी बर्थडे मनाने की, बस टीवी देखें, आप भी ना मनाए बर्थडे। मतलब अजीब मजाक है यार, मतलब बंदे की साल में एक बार बर्थडे आती है, उसको भी ये लोग बना देते हैं कि नहीं भाई तुम हफ्ते को कर लो, तुम जुमे को कर लो, तुम भाई जुमे को आ रही है तो जुमे को मनाऊ ना, मैं क्यों किसी और दिन मनाऊ, अजीब भाई, मैंने मनानी ही नहीं है इस बार। ये जी जेबी के लिए बन गई चिकन कढ़ाई जो है ना, अब जरा खुश हो जाएगा थोड़ा मूड आ फ्रेश। ये पालक और चिकन बनाया, ये बाबू का मसाला बना दिया ग्राइंड, वो उसके करके चापर में अब रख दिया, थोड़ा ठंडा होगा तो फिर कबाब बनाऊंगी। तो अभी किचन साफ इधर इधर से हो गया, अभी चावल बनाने हैं, अभी इधर से रहता है, अब ये सारा संभालूंगी तो फिर देखते हैं। अभी जेबी नाराज हुआ है, उससे मुंह सजा के चला गया, अब जाके उसको राजी करते हैं। क्यों है नाराज? मैंने क्या पकड़ क्या की है, सालगिरह की बात से हो रहा है, सुन लेगा, सुनता रहे, मैं डरती हूँ उसकी, उसके अब्बे से नहीं डरती। अभी ये चिकन बनाया है, सारा कुछ बनाया है, ये भी को राजी करते हैं। यहाँ किधर है? मेरे का उधर कमरे में होगा। ये भी क्या कर रही हो भाईजान? बेबी है तुम्हारा? तो बेबी है ना, आप अभी तक बेबी हो तो वो ना, अभी आज ही बेबी नाम रहे। बेबे का मालूम नहीं आता, बेबे का बेबी मालूम नहीं आता लगाना, बस क्या मैंने नाराज मैं क्या मैंने बच्चों मेरा बच्चा नाराज हो गया, मेरा शहजादा नाराज हो गया, अम्मा का बेटा है नाराज तो होता ही, दो मिनट अम्मा कहती गया मिनट अम्मा के बगैर। मैं तो वैसे मजाक कर रही थी, तुझे पता है तेरी सालगिरह मनाएंगे, सारा करेंगे, ऐसे थोड़ा हो सकता है सैटरडे को, सैटरडे को सालगिरह छोटी सी कर लेंगे ना, कल एक केक की इतनी सी केक ही ले आएंगे, फिर सारे घर होंगे ना, असल मसला ये है ना, फिर मसला एक कर रहे जान के तुम्हें तंग कर रहे बस। ऐसे बाप होते हैं जो मनाते भी नहीं है, ऐसे बाप है आके कहते मैंने कुछ कहा नहीं, आप मना रहे हैं कल, मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो ना कभी कुछ किया है, वो तो हमेशा ही कुछ भी नहीं कहते, तो कुछ पोपा हाँ बिल्कुल पोपी रहने मेरा बच्चा, अगर ये नाराज हो जाएगा तो फिर मैंने तो ऐसे बाल किसके खराब करूंगी। ड्रामा बाज बेटा ड्रामे कर रहा है, कोई बचत चाहिए फोन मुझे पकड़ाओ, चलो बाय। नहीं यहाँ किधर नहीं, आप जैसा बंदा मनाने आए, ये नहीं कि बेटे की सालगिरह है, ये नहीं कि मैं सेलिब्रेट कर लूं, मैं बोलूं कि कोई नहीं पुत्र बाकी नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूं, ऐसे 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 काम करते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरे 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 काम खराब करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, मनाना भी नहीं है सही से, अपने अपने काम मान जाओ ना, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, होना की करना होगा, ये नहीं बोल सकते कि बेटा कोई नहीं मना रहा तो मैं अपने पुत्र दी साल
ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਕੀ ਕੇਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ ਖਰੋ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇਸਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸੋਫੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸੋਫੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹਾਂ ਅਭੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਚਾਹ ਕਿਧਰ ਪੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸੇ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਲਾਓ ਜੋ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਸਿੰਕ ਮੇਂ ਗਿਰਾਉਂਗੀ ऐसे तो ऐसे ठीक कर लिया नहीं नहीं मैं चाय भी सिंक में गिराऊंगी मैं वो ऐसे गुजरा था ना उधर से मैं चाय भी सिंक में ही गिराऊंगी ये देखें ये देखें देखा अपने कैसे सीधे होते हैं Entiendes algo Rahal tú o no es para ti hein mira अपने दोस्त को तो बड़ी जल्दी बोल दी है कि उसने कहा था मेरा नाम लेना ही अपने बेटे को तो नहीं मनाया और आप से भी नाराज आप ही ना बनाए मैं तो सारा जान एक तरफ मेरा बेटा मुझे एक तरफ तू मेरे से नाराज कैसे हो सकता है नहीं हो सकता देख आ मैं तुझे दिखाऊं चिकन बनाया तेरे लिए चिकन कढ़ाई बनाई है मुझे पता है मेरे जेबी की क्या कमजोरी है ये देख चिकन कढ़ाई बनाई है अभी इसमें चावल बनाऊंगी कढ़ाई ऊपर डाल के मेरा बच्चा चावल के साथ खाएगा रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं जेबी बोलो ना माल्टों से बनाएंगे बोलो ना ये जो जेब है ना ये लिखी करो माल्टे हाँ, नहीं मनाओ माल्टों से कौन मनाते हैं मुझे बताए ना माल्टों से कौन मनाते हैं दूध तो टप्पा ले ले चल भाई ये मुझे लगता है कोई 10 साल का बच्चा है कसम से कलम ले ले एदी बहुत ताकत ही हाँ रोज अबू तुम्हारे कलम लेके सोफे पे बैठते हैं इसकी ताकत के साथ ही कैसे बंदे के साथ मैंने जिंदगी गुजार दी इतने काका बनते हैं चल ऐसे है ना कि कल हम छोटी सी मना लेंगे रात को 12 बजे आज रात को 12 बजे जैसे हम जाके मनाई थी पर केक तो घर नहीं है लाना पड़ेगा तो फिर वैसे ये है कि सैटरडे को मना लेंगे सही है क्या कहते हैं चल मेरा बच्चा मान जा मेरा शहजादा मेरी जान का टुकड़ा मान जा अल्लाह पाक तुझे इतनी सेहत जिंदगी सेहत सबसे बड़ी नेमत है मोटापा नहीं सेहत दे जिंदगी दे तुझे ईमान दे सलामती दे कामयाबियां दे खुशियां दे चल अम्मा की बात मान जाते हैं फिर दूसरे तीनों नहीं ना होते अब्बा जी तो होते हैं दूसरे तीनों नहीं ना घर होते वो लेट आते हैं फिर इसलिए सिर्फ सिर्फ आपके कहने पे मान रहा हूँ सिर्फ मुझे पता है मेरा शहजादा मेरी बात नहीं टालता अम्मा कह दे दोनों भाई नहीं टालते ना वो टालता है ना कुछ कल उसे मैंने मैसेज किया मुझे फौरन दवाई विटामिन मंगा के दे अभी सुबह आ भी गए ऐसे बच्चे किसको चाहिए मेरे शहजादों जैसे सबको ऐसे दे बच्चे सिर्फ आपके कहने पे मान रहा हूँ और किसी के कहने पे नहीं वो मसला कोई नहीं था लेकिन वो लेट आएंगे फिर वो कहेंगे हमारा वेट नहीं किया वो आएंगे अबू चले जाते हैं फिर रोला चीजें तो इससे बेहतर है छुट्टी वाले दिन सारे घर होते हैं ओके गाइस उसी के साथ टाइम हो जाता है ये ब्लॉग को एंड करने का आई नो थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग था बट इट्स ओके कोई बात नहीं आई होप आने वाले ब्लॉग बहुत मजे के होने वाले हैं बर्थडे ब्लॉग्स आ रहे हैं और भी बड़े मजे के ब्लॉग्स आगे आ रहे हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन ऑन कर लें और एक काम बहुत ज़रूरी है वो है इस वीडियो को लाइक करना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया अपना प्यार दिखाते रह करें बहुत मेहनत लगती है रोज़ डेली व्लॉग्स और ये वो सब कुछ काफ़ी हार्ड होता है बट आप लोगों का प्यार मोहब्बत देख के दिल करता है इसको कंटिन्यू रखी रखें तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतने प्यार मोहब्बत का और वो हमारे साथ बनाए रखें हम आपको मिलेंगे कल जैसे कि आपको पता है रोज़ नए व्लॉग के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें टेक केयर लव यू ऑल पीस बाय एंड एडवांस में मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दो सारे